अस्सलामुअलैकुम। डेटा माइनिंग का सेकेंड लेक्चर है हमारा। सेकेंड वीक में हमने देखना था डेटा प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स को। लेकिन डेटा प्री प्रोसेसिंग की टेक्निक्स शुरू करने से पहले हम देख लेते हैं कि डिफरेंट डेटा टाइप्स डेटा माइनिंग में कौन कौन से होते हैं। सो लेट्स स्टार्ट आवर लेक्चर नंबर 2, डेटा टाइप्स इन डेटा माइनिंग। सो एक स्लाइड है जिसमें मैं सारी की सारी जितनी भी डेटा टाइप्स यहाँ पे यूज़ होती हैं डेटा माइनिंग में, उसको मैंने समराइज़ करके पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। टॉप टू बॉटम हम देख लेते हैं। सबसे पहले दो तरह की डेटा टाइप्स होती हैं, नंबर 1 क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इससे पहले जब आप प्रोग्रामिंग करते रहे हैं तो आपके लिए डेटा टाइप्स या तो न्यूमेरिक होती रही होंगी, या वो फ्लोट होंगी, इंटीजर होंगी, या फिर वो स्ट्रिंग टाइप की होंगी। तो डेटा माइनिंग में अब डेटा जो है वो डिफरेंट टाइप्स का होता है, जिसके ऊपर हमने क्लासिफिकेशन या अप्लाई करना होते हैं डिफरेंट डेटा माइनिंग के एल्गोरिदम्स। तो डेटा जो डेटा माइनिंग में होता है आइदर क्वांटिटेटिव होगा या क्वालिटेटिव होगा। क्वांटिटेटिव में अब नंबर्स आ जाते हैं, न्यूमेरिक वैल्यूज़ आ जाती हैं। सो डेटा दैट कैन बी मेजर्ड विद नंबर्स सच एज ड्यूरेशन और स्पीड। न्यूमेरिक डेटा जो है वो क्वांटिटेटिव होगा एंड जो वैल्यूज़ नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी वो हमारी क्वालिटेटिव में आएंगी। अब ऐसा है कि मैं आपको एक डिफरेंट डेटा सेट्स शो करवा देती हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस तरह का डेटा डेटा माइनिंग में या मशीन लर्निंग में क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग के पर्पज़ के लिए यूज़ होता है। सो फर्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पर हमारे पास एक डेटा टाइप है जिसमें राइट टू लेफ्ट अगर हम देखें तो एक हाउस सेल का है कि प्रिडिक्ट करके मशीन बताए कि इन फीचर्स के साथ, लोकेशन के साथ, फीचर्स के साथ, ओवर प्राइस्ड येस और नो, और एज, हाउस की एज है, इसके साथ क्या प्रोबेबिलिटी है कि हाउस जो है वो पर्टिकुलर एरिया के अंदर वो सेल होगा, 0 नो एंड 1 येस। तो इस तरह के टास्क के लिए जो डेटा सेट होता है मशीन प्रिडिक्टेड सिस्टम अपने बनाना है, या जिस तरह से कार्स का प्रिडिक्टेड कार फर्स्ट एक वेबसाइट है या पार्क व्हील्स है, तो आपके एस्टिमेट लगा के बताते हैं, आप अपने डिफरेंट फीचर्स बताते हो अपने कार के, अपनी गाड़ी के, तो वो आपको प्रिडिक्ट करके बताता है कि ये कितने में सेल होगी। एक रेंज जो है वो आपको डिफ़ाइन करके बताता है। या सेकंड हैंड मोबाइल्स आपने या एसेसरीज़ परचेज़ करनी हो या सेल करनी हो, तो एक एस्टिमेटेड प्रिडिक्शन जो है वो ऑटो जनरेटेड वेबसाइट्स आपको प्रिडिक्ट करके बताती हैं। तो इस तरह के डेटा के लिए आप डेटा यहाँ पर देखें, राइट टू लेफ्ट अगर हम देखें, लेफ्ट जो सोल्ड है वो क्लास है जो प्रिडिक्शन वैल्यू होती है कि येस और नो। और डेटा माइनिंग में या मशीन लर्निंग में इस तरह का डेटा सेट चूज़ होता है। जैसे लाइक यहाँ पर देखिए, फर्स्ट जो हमारे पास फीचर है दैट इज़ लोकेशन, स्पेसिफिक एरिया है कि वहाँ के वहाँ पे घर मौजूद है, कंस्ट्रक्टेड है, एक हाउस का ये डाटा सेट है, हाउस जो है वो सोल्ड होगा या नहीं होगा। फीचर्स हैं उसमें कि कौन कौन से फीचर्स हैं, पूल या गैराज का है या नहीं है या कोई भी नहीं है। ओवर प्राइस्ड येस और नो की वैल्यूज है जिसको 0 और 1 से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है, एंड एज कितनी है। सो इन फीचर्स की बेसिस पे प्रिडिक्ट करना कि आइदर ये हाउस जो है वो नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर सेल होगा या नहीं होगा, इस तरह का एक तरह का डेटा टाइप है जो डेटा माइनिंग में हम इनकाउंटर करेंगे या डील करेंगे उसको फ्यूचर में। इसी तरह का एक और एग्जांपल है यहाँ पे डेटा सेट की, हाइपोथेटिकल ट्रेनिंग डेटा सेट है फॉर डिजीज डायग्नोसिस के लिए। तो उसके लिए आप देखें कि डेटा किस तरह से है, लेफ्ट टू राइट अगर देखें पेशेंट आईडी नंबर आ जाता है, उसके बाद सिम्टम्स हैं, सोर थ्रॉट का है, फीवर का है, सोलन ग्लैंड है, कंजेशन है, हेडेक है, और वो येस या नो की फॉर्म में है। सो डेटा माइनिंग में पर्पस आपको बताने का यह है एग्जांपल्स कि डेटा न्यूमेरिक फॉर्म में ज़रूरी है कि ज़रूरी नहीं कि मौजूद हो, डेटा डिफरेंट फॉर्म में हो सकता है, जस्ट लाइक नॉन न्यूमेरिक हो सकता है, येस नो की फॉर्म में हो सकता है, या फिर डेटा जो है वो डिफरेंट फीचर्स और लोकेशन के बेसिस पे हो सकता है। सो इस तरह के डेटा को किस तरह से हमने डील करना है उसके लिए हम डिफरेंट डेटा टाइप्स देख लेते हैं। सो आइदर डेटा वुड बी क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। अब क्वांटिटेटिव डेटा को आप न्यूमेरिक कह सकते हैं और जो क्वालिटेटिव डेटा है इसको आप कैटेगोरिकल कह सकते हो। सो इट वुड बी बेटर और प्रेफर्ड कि आप साथ साथ अपने नोटबुक के ऊपर इसको ड्रा करते जाओ। सो क्वांटिटेटिव डेटा को न्यूमेरिक डेटा भी हम कह सकते हैं, एंड क्वालिटेटिव जो डेटा है जो नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज़ होंगी उसको हम कैटेगोरिकल डेटा भी कहा जा सकता है। सो क्वांटिटेटिव डेटा के फर्दर 2 टाइप्स हैं, उसको हम बाद में देखेंगे, पहले हम क्वालिटेटिव को देख लेते हैं। क्वालिटेटिव में नॉमिनल डेटा होगा या ऑर्डिनल होगा। अब नॉमिनल डेटा ये होता है डेटा यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल्स सच एज हेयर कलर, या इसका आप कह सकते हैं कि जिसमें किसी किस्म का डेटा जो है वो रैंडम डेटा पुट करते हैं, कोई सीक्वेंस उसमें आपस में नहीं होता। जस्ट लाइक आपका आई कलर हो सकता है, आपका हेयर कलर हो सकता है कि वो ब्लैक, ब्राउन, किसी भी रैंडम पर्सन का रैंडम कलर हो सकता है, या फिर नेशनैलिटी हो सकता है,
कि वो पाकिस्तानी है, फ्रेंच है, ब्रिटिश है, या कोई किसी और नेशनलिटी से बिलोंग करता है, या फिर इसमें रिलीजन हो सकता है, इस्लाम इस्लाम उसका रिलीजन है, या क्रिश्चियनिटी है, या बुद्धिज़्म है। सो नॉमिनल डेटा टाइप जो है वो डेटा यूज फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, नेम देने के लिए, या किसी पेशेंट का नेम हो सकता है, किसी लोकेशन का नेम हो सकता है, जैसे लाइक हमने प्रीवियस एग्जांपल देखी हाउस वाली, तो उसमें किसी एरिया का नेम हो सकता है। तो इस तरह का जो डेटा टाइप होगा उसको हम नॉमिनल डेटा टाइप कहेंगे। नंबर वन वो क्वालिटेटिव होगा या कैटेगोरिकल की कैटेगरी में आएगा, और नंबर टू नॉमिनल होगा जिसमें आपस में सेकेंड या थर्ड जो डेटा है उसका आपस में कोई पैटर्न नहीं है, वो रैंडम वैल्यूज़ हम असाइन कर सकते हैं। किसी भी पर्सन का आई कलर ब्लू हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, ब्राउन हो सकता है, ग्रीन हो सकता है। सो जस्ट लाइक हेयर कलर ब्राउन हो सकता है, ब्लैक हो सकता है, या इन बिटवीन को कलर हो सकता है। ठीक है जी, सेकेंड टाइप है क्वालिटेटिव या कैटेगोरिकल डेटा की, ऑर्डिनल डेटा टाइप। अब ऑर्डिनल डेटा टाइप वो होता है जिसमें कोई प्रॉपर ऑर्डर हो, होता नॉन न्यूमेरिक वैल्यू है लेकिन उसमें प्रॉपर कोई ऑर्डर हो। सो डेटा यूज टू डिस्क्राइब द ऑर्डर ऑफ वैल्यू सच एज़ हैप्पी, न्यूट्रल, अनहैप्पी मूड स्विंग्स को डिस्क्राइब करे, या जिस तरह से रेटिंग देते हैं किसी ऐप की, या फिर इसकी वैल्यूज जो आपके ग्रेड्स हो सकते हैं, ए ग्रेड है, बी ग्रेड है, सी डी, या इसमें मिलिट्री रैंक्स हो सकते हैं, डिफरेंट रैंक्स होते हैं कि जस्ट लाइक क्या मिले कैप्टन से लेके कलोनल तक, या ब्रिगेडियर तक, या जनरल तक, इस तरह के रैंक्स हो सकते हैं। या फिर इसकी फर्दर एग्जांपल जो है वो जो हमारा ऑर्डिनल डेटा है उसमें कोई ऑर्डर यानी कि एग्जिस्ट कर रहा हो, फर्स्ट सेकंड थर्ड, इस तरह से वैल्यूज हो सकती है, या हार्डनेस ऑफ मिनरल्स हो सकता है कि उसकी कितनी है, हार्डनेस ज़्यादा है या कम है या एवरेज है, या पेन की सिवेरिटी हो सकती है कि पेन आपको एक्सट्रीम है, मॉडरेट है या लो है। सो ऑर्डिनल डेटा जो है नंबर वन क्वालिटेटिव होगा और कैटेगोरिकल होगा, और उसके बाद अगर उसमें कोई डेटा में कोई पैटर्न आ रहा है, जो फीचर पूरा आपका फील्ड है उसके अंदर जितना भी डेटा है उसमें कोई रैंडम पैटर्न आ रहा है, तो वो ऑर्डर यानी ऑर्डर में आ रहा है, हैप्पी, अनहैप्पी और न्यूट्रल आ रहा है, सैड आ रहा है, या फिर वो ए बी सी ग्रेडिंग में आ रहा है, तो वो ऑर्डिनल डेटा होगा। और अगर विदाउट एनी पैटर्न सिर्फ नेमिंग वेरिएबल्स का क्राइटेरिया यूज़ हो रहा है तो वो नॉमिनल डेटा होगा। ठीक है जी, राइट साइड हमने कवर की टाइप्स ऑफ डेटा में क्वालिटेटिव डेटा को, आइदर नॉमिनल और ऑर्डिनल। फर्दर एग्जांपल्स भी नेक्स्ट मैंने दो चार्ट्स, दो स्लाइड्स ऐड की हैं जिसमें कुछ एग्जांपल्स भी आप देखेंगे, और उसके बाद कुछ प्रैक्टिस के वैल्यूज़ हैं, डेटाज हैं जो कि आप फाइंड आउट करेंगे और उसको वैल्यूज़ असाइन करेंगे। सो एक्टिविटी हम बाद में करेंगे। अब राइट साइड लेफ्ट साइड पे है क्वांटिटेटिव डेटा। सो डेटा की जो टाइप थी वो न्यूमेरिक हो सकती है या उसको क्वांटिटेटिव आप कह सकते हैं। क्वांटिटेटिव डेटा आइदर डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा। अब डिस्क्रीट के नेम से पता चल रहा है कि वैल्यूज़ जो है डिस्क्रीट, होल नंबर्स दैट कांट बी ब्रोकन डाउन, यानी कि जिनमें इन बिटवीन वैल्यूज़ पॉइंट के साथ नहीं आएंगे, होल नंबर 1, 2, 4 इस तरह से आएगा, 1.1 या 1.5 इस तरह की इन बिटवीन वैल्यूज़ नहीं आएंगी। सो डिस्क्रीट कंक्रीट वैल्यूज़, होल नंबर्स दैट कांट बी ब्रोकन डाउन सच एज अ नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ़ आइटम्स 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, या हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन इन अ फैमिली, बच्चे या तो 2 हो सकते हैं, 3, 4, 5 हो सकते हैं, वो 2.5 और 3.5 नहीं हो सकते हैं। ठीक है जी, जस्ट लाइक योर शू नंबर हो सकता है कि वो आपका 37 है, 38 है, 39 है, 40 और 41 है, वो इन बिटवीन नहीं होगा, पॉइंट्स में फ्रैक्शन में वैल्यूज़ नहीं आएंगी। सो ऐसा डेटा जिसमें वैल्यूज़ होल नंबर्स हों, न्यूमेरिक डेटा हो और वैल्यूज़ होल नंबर में हो, इन बिटवीन फ्रैक्शन में वैल्यूज़ ना आए, वो डिस्क्रीट डेटा टाइप हो गया। इसी तरह से न्यूमेरिक के जो सेकंड डेटा टाइप है दैट इज़ कंटिन्यूस डेटा टाइप। अब कंटिन्यूस जो है नंबर्स दैट कैन बी ब्रोकन डाउन, जिसमें आप फ्रैक्शन में वैल्यूज़ ले सकते हैं, पॉइंट में जा सकते हैं, सच एज हाइट और वेट। अब हाइट किसी पर्सन की जो है 5 feet 7 inch हो सकती है, 5 feet 4 inch हो सकती है, या किसी हाइट अगर आप मीटर्स में लेते हैं तो वो 3.5 meter हो सकती है, 2.5 meter हो सकती है, इस तरह से यानी कि फ्रैक्शन में आप वैल्यूज़ जो हैं वो उसमें दे सकते हैं। ठीक है जी, या फिर वेट हो सकता है, किसी का 60.5 kg हो सकता है, 72.8 kg हो सकता है, यानी फ्रैक्शन में होल नंबर ना हो, कंक्रीट ना हो, यानी इन बिटवीन वैल्यूज आएँ। सो कंटिन्यूस को भी फर्दर टू टाइप्स में इसको किया गया है, कैटेगराइज किया गया है, आइदर कंटिन्यूस वैल्यूज़। अच्छा, सबसे पहले आपने देखना है कि अगर न्यूमेरिक डेटा है, क्वांटिटेटिव डेटा है, तो पहले ये डिफाइन कर लें कि वो डिस्क्रीट है या कंटिन्यूस है। अगर तो डिस्क्रीट है तो आप एग्जैक्टली बता दें कि ये डिस्क्रीट डेटा टाइप है, और अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस लिखने के बाद फर्दर आपको ये भी डिफाइन करना पड़ेगा कि ये इंटरवल डेटा टाइप है या रेशियो डेटा टाइप है।
अब इंटरवल डेटा टाइप की क्या डेफिनेशन है? नंबर्स विद नाउन डिफरेंसेस बिटवीन वेरिएबल्स। अब नाउन डिफरेंसेस यानी कि एक पता हो कि कितने पैटर्न के बाद डिफरेंस आएगा। 5 मिनट्स का डिफरेंस है, 1 आवर का डिफरेंस है, 1 डे का डिफरेंस है, 1 वीक का, 1 मंथ का। इंटरवल को यानी कि हम टाइम के सिंबल के साथ भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो एग्जांपल है इसके रेशो की, नंबर्स दैट हैव मेजरेबल इंटरवल्स जस्ट लाइक हाइट है या वेट है, तो इस तरह के वैल्यूज जो हैं वो रेशो टाइप के डेटा सेट में आएंगे। कंटिन्यूस न्यूमेरिक होगा, कंटिन्यूस होगा। देन अगर आपके पास नाउन किस्म का पैटर्न उसमें चेंज आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है कंटिन्यूस के अंदर, तो वो इंटरवल डेटा टाइप होगा। और अगर अननाउन ब्रोकन हो रहा है, मेजरेबल इंटरवल्स उसमें आ रहे हैं जिसको आप मेजर कर सकें, हाइट और वेट की एग्जांपल है, तो वो रेशो डेटा टाइप होगा। सो एक दफ़ा हम समअप कर लेते हैं टाइप्स ऑफ डेटा को। डेटा जो है मशीन लर्निंग में, डेटा माइनिंग में या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जो क्लासिफिकेशन या क्लस्टरिंग के पर्पज़ से यूज़ होता है, वो या तो क्वालिटेटिव होगा या क्वांटिटेटिव होगा। अगर क्वांटिटेटिव है जिसको मेजर कर सकते हैं, नंबर्स है, उसको न्यूमेरिक डेटा सेट भी हम कहते हैं। और जो नॉन न्यूमेरिक होगा वो क्वालिटेटिव होगा। अब राइट साइड पे अगर क्वालिटेटिव है तो आइदर वो नॉमिनल होगा या ऑर्डिनल होगा। नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज अगर नॉमिनल है, इट मीन्स कि विदाउट एनी पैटर्न आप सिर्फ वेरिएबल्स को नेम असाइन कर सकते हैं। वो आपका नाम हो सकता है, किसी और पर्सन का, किसी प्लेस का नेम हो सकता है, विदाउट एनी पैटर्न रैंडम वैल्यूज असाइन करना। और अगर वो किसी प्रॉपर ऑर्डर में आ रहा है, रैंकिंग में आ रहा है, तो वो ऑर्डिनल डेटा टाइप होगा। लेफ्ट साइड पे आते हैं, अगर वो न्यूमेरिक है तो न्यूमेरिक या तो डिस्क्रीट होगा या कंटिन्यूस होगा। डिस्क्रीट मीन के होल वैल्यूज़ विदाउट एनी फ्रैक्शन वैल्यूज़, इन बिटवीन वैल्यूज़ के। कंक्रीट वैल्यूज़ है तो वो डिस्क्रीट में आएगा। और अगर इन बिटवीन वैल्यूज़ आ रही है, 0 to 1 के इन बिटवीन आ रही है, 1 to 2 के इन बिटवीन भी वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो हमारे पास कंटिन्यूस होगा। और कंटिन्यूस आइदर इंटरवल टाइप का होगा या रेशियो टाइप का होगा। इंटरवल मीन्स नंबर्स विद नाउन डिफरेंस, ठीक है। सो इंटरवल है तो प्रॉपर अगर पैटर्न के साथ आ रहा है, डिफरेंस आ रहा है, तो वो इंटरवल आएगा। और अगर उसमें नंबर्स दैट हैव मेजरेबल इंटरवल्स वेयर डिफरेंस कैन बी डिटरमाइंड, तो डिफरेंस अगर हम कर रहे हैं तो वो हाइट और वेट की एग्जांपल के साथ वो रेशियो टाइप होगा। तो ये थोड़ी सी प्रैक्टिस आपको ज़रूरत पड़ेगी इस इन दोनों में डिफरेंस जो है वो एग्जैक्टली अंडरस्टैंड करने के लिए। कुछ एग्जांपल्स हैं वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। जिस लाइक ये तो कुछ डेटा टाइप्स हो गए, ठीक है जी। अब यहाँ पे एक चार्ट मैंने 2 टेबल्स ऐड कर दिए हैं आपके फर्दर प्रैक्टिस के लिए, कि अगर नॉमिनल है तो उसमें किस किस्म की एग्जांपल्स हो सकती हैं, जिप कोड्स, एम्प्लॉय आईडी, नंबर साइकिल है। और अगर वो ऑर्डिनल है तो प्रॉपर ऑर्डर, उसमें हार्डनेस ऑफ मिनरल्स, गुड बेटर बेस्ट और ग्रेड्स हो सकते हैं। इंटरवल टाइप है तो इंटरवल में कैलेंडर डेट्स आ जाती है। नाउन पैटर्न आपको पता होगा कितना डिफरेंस है। इंटरवल में हमने देखा था कि टाइम के पैटर्न हमें एग्जैक्टली पता होगा कितना डिफरेंस उसमें आ रहा है। सो कैलेंडर डेट्स उसकी एग्जांपल हो सकती हैं, टेम्परेचर इन सेल्सियस और फॉरेनहाइट। और अगर रेशियो टाइप है तो रेशियो में टेम्परेचर इन केल्विन, मॉनेटरी क्वांटिटीज, काउंट, एज, मास, लेंथ, इलेक्ट्रिकल करंट। कुछ और भी एग्जांपल हैं आपकी प्रैक्टिस के लिए, तो आप यहाँ पे इसको चेक कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है जी। ये थी डेटा टाइप्स अंडरस्टैंड करने के लिए। अब अगर क्लास में तो क्लास एक्टिविटीज़ के ऊपर थी, लेकिन आपको मैं यहाँ पे दे देती हूँ डेटा टाइप्स प्रैक्टिस एग्जांपल के लिए। कुछ डेटा टाइप्स हैं ये, अब आपने सॉल्व करनी है, अपने कैटेगरी बतानी है कि ये क्वालिटेटिव डेटा है या क्वांटिटेटिव डेटा है। और उसके बाद अगर क्वालिटेटिव है तो फिर ऑर्डिनल है या नॉमिनल है, और अगर ये क्वांटिटेटिव है तो फिर आपने बताना है कि कंटिन्यूस है और डिस्क्रीट है। और अगर कंटिन्यूस है तो ये फर्दर आगे इंटरवल है या रेशो है। तो ये जहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हैं स्लाइड में मैंने ऐड कर दी हैं। नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट जॉब, उससे कोशिश करें कि ये आप इसको सॉल्व कर लें। आइदर आप अपने वर्ड में, एमएस वर्ड में कर सकते हैं, या अपनी नोटबुक में इसको सॉल्व करके। तो मैं एक ड्रॉप बॉक्स बना देती हूँ एलएमएस पे, जहाँ पे आपने इसको सबमिट करवाना होगा, क्योंकि नेक्स्ट जो हमारा क्विज़ होगा उसमें ये वैल्यूज़ ऐड होंगी। सो इस लेक्चर के बाद हम डेटा आपको अंडरस्टैंड हो गया है, कोई क्वेश्चन है तो वो आप मुझे ऐड कर दिया करें, बता दिया करें, यहाँ वीडियो के लिंक में कमेंट सेक्शन में लिख दिया करें, या फिर मुझे LMS पे बता दिया करें, या ईमेल कर दिया करें, या ऑफिस आवर्स के दौरान आप विज़िट कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर हम डेटा प्री प्रोसेसिंग के ऊपर आएंगे, कि हमें एक दफ़ा हम फाइंड कर चुके हैं कि किस किस्म का डेटा होता है डेटा माइनिंग के अंदर। अब उसके ऊपर प्री प्रोसेसिंग के जो डिफरेंट टेक्निक्स हैं, क्लीनलीनेस की, इंटीग्रेशन की, वो हम, या मिसिंग डेटा है तो उसको किस तरह से हैंडल करना है, नेक्स्ट लेक्चर में इसको देखते हैं।